नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में दोस्तों आईपीएल 2022 में आरसीबी टीम ने आठ मुकाबले खेल लिए हैं अब आरसीबी टीम के आंकड़े जो है कुछ इस प्रकार से हो गए हैं आठ में से पाँच मैचों में टीम को जीत मिली है कुल दस अंक हैं अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है जबकि तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है अगला मुकाबला आर को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलना है जो कि खेला जाएगा तेईस अप्रैल को अब दोस्तों आर टीम से जुड़ी एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि इस मुकाबले से पहले आरसीबी की टीम प्लेइंग इलेवन से दो या तीन बड़े खिलाड़ियों को बाहर करने वाली है उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी तो कौन से होंगे खिलाड़ी बाहर उनकी प्लेस पर कौन आएगा आर टीम की प्लेइंग इलेवन में इसके बारे में ये वीडियो हमारे होने वाले ही डिटेल में सारी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में दूंगा तो भाइयों अगर आप भी आर के फैन हो और चाहते हो कि अगला मुकाबला आर अच्छे मार्जिन से जीते तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए वहीं दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुँचती रहे ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है अगर उससे ज्वाइन नहीं किए हो तो याद से ज्वाइन कर लो वहाँ भी आपको आर टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगातार मिलती रहती है तो भाइयों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी फटाफट जाइए वहाँ पर उसे भी ज्वाइन कर लीजिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आई पी में आर टीम जो है हैदराबाद के खिलाफ हार गई टीम की बैटिंग लाइनअप इस मैच में फ्लॉप साबित हुई ना तो विराट कोहली एक बार फिर से चल पाए ना ही फैब डुप्लेसी चल पाए ना ही मैक्सवेल का बल्ला चला दिनेश भी इस मैच में जल्दी आउट हो गए जिसके चलते आरसीबी टीम जो है अड़सठ रनों पर ही सिमट गई निचले क्रम का कोई बल्लेबाज भी आरसीबी टीम को एक सम्मानजनक टोटल तक नहीं पहुंचा पाया टीम अड़सठ रनों पर ही ऑल आउट हो गई अब दोस्तों इस मैच के हारने के बाद आर टीम जो है प्लेइंग एलेवन में कुछ बड़े चेंजेस करने वाली है दो या तीन प्लेयर्स को कन्फर्म जो है बाहर कर सकती है इस लिस्ट में पहला नाम आता है अनुज रावत का जिन्हें आर टीम बाहर का रास्ता दिखा सकती है उनकी प्लेस पर विराट कोहली शायद से अगले मैचेस से ओपनिंग कर सकते हैं अब सवाल ये भी है कि अगर विराट कोहली ओपन करेंगे डुप्लेसी के साथ में तो नंबर तीन पर बल्लेबाजी कौन करेगा नंबर तीन पर आर टीम के पास कई विकल्प हैं जिसमें पहले दो ऑप्शन हैं रजत पटीदार और महिपाल लोमरोर इन दोनों में से किसी एक को मौका सकता है वही दोस्तों अनुज रावत के अलावा जो है प्रभु देसाई को भी आरसीबी टीम बाहर कर सकती है उनकी प्लेस पर एक अतिरिक्त बल्लेबाज के रूप में आर टीम जो है महिपाल लोमर या फिर पटीदार को खिला सकती है यानी कि दोस्तों अनुज रावत और सुरेश देसाई बाहर जा सकते हैं इनकी प्लेस पर महिपाल लोमर और पटीदार आ सकते हैं आर टीम की प्लेइंग इलेवन में यही कुछ चेंजेस हमें होते हुए दिखाई देंगे जिसमें ये दोनों खिलाड़ी बाहर जाएंगे और दो नए खिलाड़ी अंदर आएंगे प्लेइंग इलेवन में ऐसे कुछ अपडेट आ रही फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है कौन से खिलाड़ी को करना चाहिए बाहर आर टीम को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले के लिए आप भी हमें कमेंट्स करके बता सकते हो और दोस्तों किसे मिलना चाहिए मौका इस मैच के लिए ये भी जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अभी के लिए इस वीडियो में इतना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों